सो फ्रेंड्स, ये आज मैंने एक अल्टीमेट पीसी बनाया है। ये पीसी ऑलमोस्ट 100K के अंदर बजट में आता है, मीन्स 95K में इस पीसी को बना सकते हैं हम। अगर आप 95K में कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप 100K में भी कैसे बनाना है बना सकते हो। अगर आपका बजट अगर 100K के अंदर है, आपको मैकेनिकल कीबोर्ड माउस विथ मॉनिटर के साथ में ये बिल्ड में बना के देता हूँ। इसमें मॉनिटर जो है 27 इंचेस का 144 हर्ट्ज का मॉनिटर आएगा। हालांकि बहुत सारा पीसी सेलर्स क्या करते हैं कि आपको मॉनिटर दे देते हैं लेकिन वो 60 हर्ट्ज या 75 हर्ट्ज का जो ओल्ड कैपेबल मॉनिटर्स देते हैं। मैं भी बेचता हूँ, अगर कस्टमर का बजट कम है तो मैं भी झूठ क्यों बोलूँ आपसे। लेकिन अगर आपका बजट है तो फिर मैं अगर आपको 60 हर्ट्ज का मॉनिटर विथ RTX 3050 के साथ में दूँ वो हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। सो बेसिकली हम पॉइंट पे आते हैं कि ये पीसी अगर आप 1,00,000 रुपए में खरीद रहे हो तो क्या कॉन्फ़िगरेशन खरीदना चाहिए। और ये पीसी मैं पूरा हिंदी में बताऊंगा क्योंकि एक कस्टमर का मुझे कमेंट में आएगा, भैया कि आप हिंदी में भी 1,00,000 के अंदर क्या पीसी बनता है वो बताओ करके। सो बेसिकली मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट यूज़ किए हैं। इंटेल के भी बिल्ड हम बनाते हैं, AMD के भी बिल्ड बनाते हैं। ये इंटेल बेस्ड बिल्ड है जिसके अंदर अगर आपका 95,000 बजट है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा इंटेल कोर i5 11400 या फिर 10400F का। 10400 11400 में कुछ भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1-2% का परफॉर्मेंस का फ़र्क है। प्राइस भी आपको 1,000 रुपये का फ़र्क है। 1,000 रुपये बड़ा मैटर नहीं है लेकिन 11400 लोग ज़्यादा खरीदते ही नहीं है। उसकी जगह आप 5,000 रुपये आपका बजट एक्स्ट्रा बढ़ाओ, 12400 लो और 12400 के अंदर आप 3050 ग्राफिक कार्ड लगाओ। 12400 भी अगर आप लेते हो विदाउट ग्राफिक कार्ड, अगर लेते हो तो 12400 लेना नहीं, अगर आप ग्राफिक कार्ड लेते हो तो 12400 की जगह 12400F लेना ताकि आपका 2-3 हज़ार रुपये बच जाएगा। 12400 और 12400F में फ़र्क ये है कि F के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं आता है, F के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं आता है और नॉर्मल के अंदर ग्राफिक कार्ड आता है। सो अगर आपका 95,000 स्पेसिफिकली बजट है विथ मॉनिटर विथ कीबोर्ड माउस, देन यू कैन गो विथ 10400। आप 10400 या फिर 11400 के साथ में ले सकते हो। 5,000 रुपये आप बजट बढ़ाओ, आपको अल्टीमेट प्रोसेसर आएगा 12400 के साथ में। सो इस पीसी के लिए मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया है 560M Pro VDH मदरबोर्ड यूज़ किया है, जिसके अंदर अगर आप 12th में जाते हो तो आपको 660 सीरीज़ का आता है। 560 मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है जो आपको 32, 64 GB या फिर 128 GB तक भी आपको आपका रैम को सपोर्ट करेगा। इसके अंदर 6 USB पोर्ट्स रहेंगे, HDMI VGA DP पोर्ट रहता है, जो अगर आप नॉन एफ सीरीज़ का लेके ग्राफिक कार्ड अलग से लगा तो जो कोई यूज़ का नहीं फिर भी इसके अंदर रहता है। अच्छा किस्म का वाईफाई रहेगा और ब्लूटूथ भी रहेगा। और ये मदरबोर्ड आपका 4 रैम स्लॉट आने के साथ में ये मिनी ATX में रहता है, मींस आपका बहुत बड़ा मदरबोर्ड भी नहीं रहेगा। अगर आपका स्टैंडर्ड कैबिनेट है उसके साथ में भी आपका सपोर्ट करेगा। जैसे कि आप रिसेंटली मेरे काफ़ी बिल्ड देखे हैं गैलेक्सी के साथ में, ये मदरबोर्ड इजीली माउंट हो जाता है। सो आपने मदरबोर्ड आपने अच्छा ले, प्रोसेसर आपने अच्छा ले लिया है जो एक प्राइस पॉइंट ऑफ 11,000 तक आता है। अगर आप 12th जनरेशन जाते हो एक 16,000 तक का आ जाता है। मदरबोर्ड अगेन आपको 11,800 रहता है, जो 660 मदरबोर्ड भी ऑलमोस्ट 11,800 रुपीज़ के अंदर रहता है। लेकिन इसके साथ में मैंने जो रैम भी यूज़ किया DDR4 सीरीज़ का रैम है। हालांकि 660 में DDR6 भी रैम अभी आ गया है, DDR5 रैम आया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा गलती से मैंने DDR6V RAM की जगह DDR6 RAM बोल दिया था। DDR5 RAM आया है, वो भी मदरबोर्ड आ गए हैं, लेकिन ये DDR4 RAM यूज़ किया है थोड़ा सा बजट को माइंड में रखते हुए। अगर आप DDR5 RAM लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 10,000 तक बजट बिगाड़ देगा लेकिन परफॉर्मेंस भी आपका 20 गुना बढ़ा देगा। सो रैम जो मैंने यूज़ किया 8GB का 3200 MHz के साथ में है, काफ़ी अच्छा रैम है। 8GB का 2 RAM यूज़ किया, फ्यूचर में चाहिए 1-2 RAM और भी लगा सकते हो, लेकिन 8x2=16। अगर आप मॉडरेट गेमिंग या फिर एडिटिंग रेंडरिंग कुछ भी करते हो, स्टैंडर्ड एनिमेशन भी वर्क करते हो, सो ये स्मूथली आपका काम को झेल देगा। सो इतना अच्छा पीसी के लिए मैंने जो स्टोरेज यूज़ किया काफ़ी अच्छा स्टोरेज है, 500GB का NVMe यूज़ किया है जो क्रूशियल का P2 है। इसके अंदर काफ़ी ब्रांड्स आते हैं, जैसे कि क्रूशियल का ले लो, किंगस्टन का ले लो, या फिर काफ़ी ब्रांड्स है जैसे गीगाबाइट वगैरह ले लो, ऑलमोस्ट सभी स्टोरेज का सेम प्राइस है। लेकिन अगर आप सैमसंग का स्टोरेज लेते हो आपको 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में भी आपको 1000 Mbps पर सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ा देगा। और इसके साथ में इसका प्राइस जो रैम का है 2800x2 5600 तक रहता है, और SSD का जो प्राइस है 4,000 रुपये तक का आपको काफ़ी अच्छा SSD आ जाता है। और इतना अच्छा PC के लिए मैंने पावर सप्लाई के साथ में ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी अच्छा दिया है, जो RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट एंड बजट RTX ग्राफिक कार्ड इसको बोल सकते हैं, जो हर गेमर की ड्रीम को पूरा करता है। अगर आप 1080p लेवल का गेमिंग,
क्योंकि अगर आप 32,000 तक का इन्वेस्टमेंट करके आप RTX 3050 की बगैर अगर 1660 अगर आप ग्राफिक कार्ड लेते हो तो आपका पीसी के साथ में वो गलत होगा। इवन 1650 भी लोग दे देते हैं क्योंकि उनका पुराना स्टॉक क्लियरेंस करने के लिए, लेकिन मैं ब्रांड न्यू 3050 ड्यूल फैन का देता हूँ। अगर आपका बजट 1000 रुपये और खींचते हो आप 3050 ट्रिपल फैन वर्जन भी ले सकते हो। इतना अच्छा पीसी बन गया, सो इसके लिए अच्छा पावर सोर्स की ज़रूरत है, जो एक ब्रॉन्ज रेटेड कोर्सेर का CV515 बजट इकोनॉमिकल पावर सप्लाई है जो आपका ग्राफिक कार्ड को इजीली झेल लेगा। काफ़ी पावर सप्लाई नाम सुना है कोर्सेर का, जो अपना सर्विस के लिए जाना जाता है, 3 साल 5 साल जो एज़ पर मैन्युफैक्चरर वारंटी है आपको नॉन रिपेयरिंग मीन्स रिपेयर नहीं करता है वो नया पीस देता है। अगर आपका पावर सप्लाई पानी नहीं गिरा हुआ होना चाहिए और जला हुआ नहीं होना चाहिए, अगर आप बॉक्स के साथ में लेके जाओ आपको 5 साल के अंदर पावर सप्लाई या इवन 10 साल भी इसके कैटेगरी में वारंटी आते हैं जो गोल्ड रेटेड के हैं, उनका 10 साल तक रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है। और इस पीसी के अंदर भी हमने केस जो है गैलेक्स का यूज़ किया है, इवन आप चेंज कर सकते हो अगर आपको चाहिए गैलेक्स नहीं चाहिए, यू कैन गो विथ MSI एंटी स्पोर्ट कूलर मास्टर जो भी केस चाहिए, हम ऑलमोस्ट 4500 के अंदर ये केस को चेंज करके दे देते हैं। मीन्स 4500 का मैंने प्राइस पॉइंट इसके अंदर ऐड किया। पावर सप्लाई 3700 रुपीज़ का है। सो इस पीसी के साथ में मैंने एक बजट इकोनॉमिकल मैकेनिकल कीबोर्ड भी यूज़ किया है और गैलेक्स का एक मैंने RGB माउस भी यूज़ किया है, और इसके साथ में मैंने 27 इंचेस का MSI का 144 हर्ट्ज का मॉनिटर यूज़ किया है। अगर आपको चाहिए आप LG भी ले सकते हो, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेगा, क्यों LG थोड़ा मॉनिटर के अंदर पुराना नाम है इसीलिए, लेकिन गीगाबाइट G27F मॉनिटर भी सेम प्राइस पॉइंट के अंदर आता है जो अपने फ्यूचर्स के लिए जाना जाता है क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर भी आता है और हाइट एडजस्टेबल भी है। अगर आप 1 लाख के अंदर इससे अच्छा 12th जनरेशन के साथ में पीसी मेरे ख्याल से कोई भी बना के नहीं देगा आज के डेट के हिसाब से, और इस प्रोडक्ट के प्राइजेज आपको काफ़ी हाई भी हो सकते हैं या प्राइजेज ड्रॉप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप एक ही चीज़ करना, जब भी आप सेलर से प्रोडक्ट खरीदें आप वो देखना कि एज़ पर टुडे मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है और वो प्रोडक्ट क्या दे रहा है, आपको सील पैक दे रहा है या ओपन दे रहा है, रिफर्बिश्ड दे रहा है, आपको ब्रांड न्यू बोल के पुराना माल तो कहीं नहीं चिपका रहा है। सो हमारा स्टोर से अगर आप खरीदते हो वैसा हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, नहीं करेंगे। रीज़न आपको एक ही है, आप अच्छा प्राइस दे रहे हो, आपको अच्छा प्रोडक्ट हम देंगे तो आपसे अच्छा सेल मुझे आएगा, आप अपने आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरा स्टोर रिकमेंड करेंगे। सो अगर 95-1 लाख के बीच में अगर आपका बजट है, मींस 90-1 लाख के अंदर ये पीसी मैंने बनाया। लेकिन फ्रेंड्स फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा, ये पीसी खरीदने के लिए कस्टमर है ना कोई बाजू वाली मेरे गली से या फिर मेरे शहर से नहीं आया है, जो मेरा बेंगलोर लोकेशन से ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर से जर्नी करके आया है। 450 किलोमीटर अगर आप व्हीकल से आते हो, अपने ओन व्हीकल से मिनिमम 7 घंटे जर्नी करना पड़ता है। हालांकि वो ऑनलाइन भी मंगवा सकता था, लेकिन उसको क्या है कि किशन सर मतलब मेरे को मिलना था, और सर को क्या है कि और भी मेरे से देखना कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, काफ़ी वीडियोस देखे थे, लेकिन सर सागर करके हमारा कर्नाटका में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में प्लेस आता है, उससे थोड़ा सा आगे है, उनको उनके फ्रेंड ने रेफरेंस दिया था मेरा स्टोर के बारे में। सो वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर जर्नी करके आए। सो वीडियो एंड में मैं कनाडा में बोलूँगा क्योंकि उनको भी सर को भी समझ में आना है और मुझे भी बहुत खुशी होगा कनाडा में बात करके। हाय ना, सो थोड़ा सा पीछे चलो ब्रो, हेंगिदे नम सिस्टम सेटअप ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ? ಮಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಸೋ ಈ ಪಿಸಿ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಿಸಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ತುಂಬಾ ಜನ GTA 5 ಆಡೋರು, ತುಂಬಾ ಜನ ವ್ಯಾಲೋರೆಂಟ್ ಆಡೋರು, ನಂಗೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಗೇಮರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಪಿಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಸಮ್ ಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಪಿಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ಮಾತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಬಾರ್ದು. 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ ನೀವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಹಂಗೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತಾ, ಯಾವ ಥರ ಇರತ್ತಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ಕರೆಕ್ಟೇ, ಬಂದಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದೆ, ನಾನು ಟ್ರೂಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು 20 ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಿಗಾಬೈಟ್ MSI ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವೇಲ್ ಟು ಬೈ ಅಂತಿರತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಆಥರೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡೋದ್ ರೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಗೇನಿರುತ್ತೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಅವಾಗ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನಮ್ಗಿಂತ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿ ಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. फ्रेंड्स, आपको फाइनली मैं सर ने क्या बोला वो एक नॉर्मल हमारा लैंग्वेज में समझा दूंगा. सर ने बोला है कि वो एसपी रोड पे जब आए हैं ऑलमोस्ट वहां से सर्च यही करके आए कि सुपर कंप्यूटर में जाना है, लेकिन एज पर कस्टमर के हिसाब से उन्होंने बहुत करेक्ट किया. उन्होंने भी 10-15 दुकान रिसर्च किया. मुझे बहुत खुशी हुई कि वो 2-4-10 दुकान देखे, उसके बाद में मेरे स्टोर से आके उन्होंने बाई किया और उनको प्राइस मेरा साथ में मेरा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी मिला है. फ्रेंड्स, फाइनली एक वर्ड बोलूँगा, लोग क्या करते हैं इन नॉट इवन एसपी रोड, इन्हें ऑल ओवर इंडिया में भी यही लोग करते हैं कि आपको प्रोडक्ट बोलते कुछ और है. और एक नया ट्रेंड चल रहा है, सर इसका प्राइस बिल्ड के साथ में ये रहेगा और खाली कंपोनेंट लेओगे तो ये रहेगा. सो उनके लिए मैं एक ही जवाब देना चाहूँगा कि यार खाली बिल्ड भी तो बिल्ड ही है और खाली कंपोनेंट भी कंपोनेंट ही है. खरीदती हूँ मैं 32 में देता हूँ. अगर आप बिल्ड के साथ में खरीदोगे तो मैं ओवरऑल बिल्ड पे 2,000 या 3,000 डिस्काउंट देता हूँ. इवन मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं आपको 22,000 में आज के डेट में ग्राफिक कार्ड दे रहा हूँ. चलो अगर आपको RTX 3050 22,000 पूरा बिल्ड के साथ में सभी कंपोनेंट के यही मैंने जो प्राइस दिया उस प्राइस के साथ में मिल जाए, तो प्लीज उस स्टोर का कमेंट में मुझे लोकेशन भेज देना, मैं भी वहीं से खरीद